बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हुमैराज क्रिएशन। आज हम आपको एक नई रेसिपी बता रहे हैं। इसको हेलोपिनो पॉपर्स भी कहते हैं और इसको पेरी बाइट्स भी कहते हैं। मैंने इसमें लिए हैं 10 से 12 हरी मिर्चें। इनके सीड मैंने निकाल लिए हैं सारे, ये देखें, इनको खाली कर लिया, कट लगा के अंदर से सारे सीड्स निकाल लिए। इसके साथ ब्रेड क्रम्स चाहिए हमें इसको कोट करने के लिए, मैदा चाहिए, अंडे चाहिए दो इनको कोट करने के लिए। इसके अंदर हम फिलिंग डालेंगे चिकन, चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़, मायनीज और क्रीम चीज़। अब हम सबसे पहले इनके लिए फिलिंग के लिए हम मिक्सिंग करते हैं। अब हम फिलिंग तैयार करने लगे हैं। ये हमने 2 टेबलस्पून मायनीज ले लिए। मायनीज के साथ हमें क्रीम चीज़ चाहिए, वो भी हम डालेंगे। क्रीम चीज़ भी हमें 2 टेबलस्पून चाहिए। इसके बाद इसमें हम मोज़रेला और चेडर चीज़ डालेंगे। इसमें हम वाइट पेपर डालेंगे, चाइनीज़ वाइट पेपर है। इसके अंदर पिंच ऑफ सॉल्ट डालेंगे। इसके बाद हम इसमें चिकन डालेंगे, हाफ डाल के पहले देखते हैं, फिर उसके बाद बाकी डालेंगे। अब हम इसकी मिक्सिंग करेंगे अच्छे से। बड़ी अच्छी सी स्मूथ सी ये पेस्ट बन जाती है। इसमें हम बाकी भी हाफ चिकन डाल देंगे सारा। कुछ कंट्रीज में इसको हेलोपिनो पॉपर्स कहते हैं और कुछ में इसे पेरी बाइट्स। ये हमारी फिलिंग रेडी हो चुकी है, अब हम इसको फिल करते हैं। इसने भी ये हम थोड़ी सी सीजनिंग करेंगे, पिंच ऑफ सॉल्ट डालेंगे, वाइट पेपर डालेंगे और इसको विस्क करेंगे। क्रम में भी पिंच ऑफ सॉल्ट हम डालेंगे और इसकी सीजनिंग करेंगे। अच्छे से हम फिलिंग करेंगे। इसे अच्छे से दबा के पूरा इसकी अच्छे से इसकी फिलिंग कर देंगे। अब हम इसको कोट करेंगे। पहले हल्का सा इसको इसमें मैदे में लगाएंगे, फिर इसको अंडे में लगाएंगे।
ये हमारी पेरी बाइट्स को हमने कोटिंग कर लिया फिलिंग के ऊपर। अब हम इनको आराम से हल्के हल्के फ्राई करते जाएंगे। इसको अगर आप इस तरह करने के बाद अगर आप थोड़ा सा फ्रीज़र में रख दें तो ये अच्छे से क्रम्स ऊपर बाइंड हो जाते हैं। ये हमारी पेरी बाइट्स रेडी हो रही हैं। रेडी हो चुकी हैं, फ्राई हो चुकी हैं। अब हम आपको इस इनमें से कोई फ्राई कीवी को काट के दिखाते हैं। मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।